स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने केतु का द्वितीय भाग लेकर उपस्थित हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप अपना नाम नहीं बताते वीडियो में। अरे बता तो रहा हूँ, अब लगभग हर वीडियो में अपना नाम बता रहा हूँ। पहले नहीं बताता था, मेरे शुरू शुरू के बहुत से वीडियो में मैंने अपना नाम वाम कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद ये लगा कि जरूरत है तो मैं नाम बता रहा हूँ अपना। सिद्धांत सहगल मेरा नाम है और सिद्धांत सरल पद्धति मेरे नाम पे ही है। तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं सीधा। प्रथम भाग केतु का जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था, आप सभी को बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है उस वीडियो पे। तो सेकेंड भाग मैं बनाऊंगा, मैंने कहा था, क्योंकि वो वीडियो ही 31 मिनट का लगभग हो गया। तो उसी में अगर मैं जो बातें अभी बताने जा रहा हूं वहां बताता तो वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाता, जो कि असहनीय होता है एक्चुअली यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी या यूट्यूब पे वीडियो वाच करने वालों के लिए भी। 30 मिनट का वीडियो भी बहुत है, वाच कर ले रहे लोग, धन्यवाद है आप लोगों को। 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो लोग वाच नहीं करना चाहते। जानकारी अच्छी हो तो लोग देखते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट बात करने के लिए वैसे भी मैं बदनाम हूं, मैं इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करता। तो आइए मैं आपको अब बताता हूं केतु के कुछ अकाट्य फल। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं कुछ अकाट्य बातें बताऊंगा केतु के बारे में जो कभी फेल नहीं होगी। आप मुझसे बहस कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो मेरे भाई आगे होगा। 1998 से मैं कुंडलियां देख रहा हूं और ज्योतिषी फलादेश में पढ़ा भी है जो मैंने, और जो मैंने अनुभव किया है वो सारी बातें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो पहला अकाट्य फल केतु अगर प्रथम भाव में है तो सर पे चोट जरूर लगती है जातक को, ये फेल नहीं होगा फलादेश। नए लर्नर जो है, जो नया ज्योतिष सीख रहे हैं, वो इन बातों को लिख कर रख ले। दूसरे भाव में केतु हो तो जातक को वाणी विकार और दाहिनी आंख में समस्या हो सकती है। जातक जहां बोलना है वहां नहीं बोल के, जहां बोलना नहीं है वहां बोल बैठता है, या ज्यादातर चुप लगा जाता है। तीसरे भाव का केतु बाहों में दर्द, बाजुओं में दर्द देता है और दुर्घटना में हाथ क्षतिग्रस्त करवा सकता है, विशेष करके दाहिना हाथ। चौथे भाव में अगर केतु हो तो हार्ट अटैक की संभावना जातक को ज्यादा होती है, और चौथे भाव का केतु घर पे उदासीनता का वातावरण फैला के रखता है। पंचम भाव में अगर केतु हो तो संतान संबंधी कष्ट होता है, प्रेम में असफलता मिलती है, और पंचम भाव का केतु वाला जातक अपनी संतान की हत्या तक कर सकता है। उछलिएगा मत मेरी बात सुन के, क्योंकि जो हत्या करते हैं अपनी संतान की, कोई अपनी माँ की हत्या करता है, कोई अपने पिता की हत्या करता है, कोई भाई की करता है, कोई पत्नी की करता है, तो उसके लिए भी ग्रहों की स्थितियां जिम्मेदार हैं। अब मेरे मुंह से निकल गया है तो सुन लीजिए। तृतीय भाव का केतु छोटे भाई बहन की हत्या करवा सकता है, चौथे भाव का केतु माता की हत्या करवा सकता है, पंचम का केतु संतान की हत्या करवा सकता है, छठे का केतु मामा मौसी की हत्या करवा सकता है, सप्तम का केतु पत्नी की हत्या करवा सकता है, अष्टम का केतु खुद जातक आत्महत्या कर सकता है मंगल के साथ योग करने। इसी कड़ी में सुन लीजिए, छठे भाव का केतु आपको शस्त्र से आघात का योग बनाता है, अग्नि भय भी देता है, विष से भी या फूड पॉइजन से आपको समस्या हो सकती है। सप्तम भाव का केतु शीघ्र पतन की बीमारी देता है, ऐसे जातक बिस्तर पे अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाते, होती है ना ये बीमारी भी होती है ना, शीघ्र पतन की बीमारी के साथ ही संभोग में ऐसे जातक बहुत कमजोर होते हैं और मूत्र संबंधी बीमारी इनको लगती है। अष्टम का केतु बवासीर का रोग दे सकता है, अष्टम में बैठा हुआ केतु जातक को गे बना सकता है, गे समझते हैं, और ज्यादा मैं नहीं बोल सकता है, चलिए बोल ही देता हूं। अष्टम का केतु अगर है तो ऐसा जातक पुरुष होते हुए भी पुरुष के साथ संबंध बनाता है। नवम का केतु धर्म से काटता है, धार्मिक दिखता है वो होता नहीं। दसम का केतु पिता की क्षति करता है, पिता की हत्या भी कर सकता है, राज्य सरकार से बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलती, कर्म में दिशाहीनता भोगना पड़ता है जातक। एकादश का केतु कहते तो है अच्छा है, लेकिन एकादश का केतु मित्र की हत्या करवा देता है, बड़े भाई की हत्या भी करवा सकता है।
ये नकारात्मक फलादेश है जो मैं बता रहा हूं, और ये भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग सिर्फ गुडी गुडी सुनना चाहते हैं, फील गुड होने से कुछ नहीं होता। समाज में 90%, 80%, 90% नकारात्मकता भी है, वो कहाँ से आ रही है? उनका जन्म कोई 32वें नक्षत्र में थोड़ी हुआ है, वो भी हमारे आपके बीच में से ही है, और इन्हीं 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही वो ऐसे हैं। द्वादश भाव का केतु नींद में कमी और बाईं आंख में समस्या दे सकता है। अच्छा, एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा, जहां मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस तृतीय में केतु भाई की हत्या, चतुर्थ में केतु माता की हत्या, पंचम में केतु संतान, छठे में मामा मौसी, सप्तम में पत्नी, अष्टम में आत्महत्या, दशम में पिता के बारे में बताया है, एकादश में भाई की हत्या के बारे में बताया है, यानी बड़े भाई की या मित्र की हत्या के बारे में बताया है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है सिंगल डिजिट में केतु इस तरह से बैठा रहने से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। लेकिन संशोधन यहां मैं सिर्फ इतना सा कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हत्या कर ही दे, लेकिन ये जरूर जरूरी है कि केतु की ऐसी कॉम्बिनेशन की वजह से उस जातक के मन में उस नेटिव की हत्या संबंधी विचार जरूर आएंगे, विचार आएंगे ही आएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रुकेंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको एकदम 100%। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जातक कर ही दे, क्योंकि देश काल पात्र कानून इत्यादि बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान रुकता है, समाज की वजह से रुकता है, लेकिन प्लेनेट की यानी केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से जातक के मन में उस भाव से संबंधी जो रिश्तेदार जातक का होता है उसकी हत्या का विचार उस जातक के मन में जरूर आता है, आता ही है। हत्या भले नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि हत्या कर ही दे, क्योंकि फिर केतु पे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेनेट की इफेक्ट का भी सवाल आता है। केतु मंगल के साथ है, शनि के साथ है, पाप ग्रस्त ज्यादा हो गया है, तो एप्लीकेबल कुछ हद तक मान सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और घटती ही हैं, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा। हमारी समाज में मित्र मित्र की हत्या करता है, पत्नी की हत्या तो आए दिन की बात है, बच्चों की अपने भ्रूण में ही मार देते हैं, वो भी हत्या ही है एक प्रकार की ना, कि आपने संतान ली ही नहीं, अवैध तरीके से लिंग परीक्षण करा लिया और अपनी कन्या संतान को गर्भ में ही मार दिया, ये भी बहुत कड़वा सत्य है ना। और पिता के साथ पुत्र का एक मतलब विपरीत संपर्क, तो ये बहुत जग जाहिर है, ये होता ही है। तो यहाँ फलादेश की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि विचार जरूर पनपते हैं, ये अकाट्य है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये समझ लीजिए। संशोधन का मतलब ये नहीं है कि मैं उस फलादेश को पलट रहा हूं, फलादेश नहीं पलट रहा, विचार जरूर आएंगे, विचार क्रियान्वित हो सकता है ना हो, क्रियान्वित होने के लिए दूसरी कॉम्बिनेशन या दूसरे ग्रहों की कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब आप राशि के अनुसार केतु का फलाफल भी सुन लीजिए। मेष राशि में अगर केतु हो तो ऐसे जातक को धन लाभ होता है, वृष राशि में केतु पीड़ादायक जीवन होता है, देह में कष्ट होता है ऐसे जातक के, मिथुन राशि में केतु यश वृद्धि तो करता है लेकिन बंधु दोस्तों मित्रों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने देता, कर्क का केतु अच्छा फल देता है, शास्त्र मत से ऐसा कहते हैं, लेकिन कर्क का केतु चंद्रमा को जरूर खराब करता है, क्योंकि चंद्र राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक दिशाहीनता का थोड़ा शिकार होता है, लेकिन कर्क का केतु लाभ देता है, लाभजनक स्थितियां पैदा करता है। सिंह राशि का केतु धन लाभ देता है लेकिन शारीरिक सुख नहीं देता, कन्या का केतु धन लाभ देता है, यश वृद्धि देता है, अच्छा फलाफल करता है अपनी दशा में, तुला राशि का केतु जातक को अवैध संबंधों की तरफ ले जाता है, नशे की तरफ ले जाता है, गलत लत लगवा देता है, वृश्चिक राशि का केतु ऐश्वर्य देता है, धन देता है, विपरीत लिंग के साथ अच्छा संबंध बना रहता है लेकिन भाइयों के साथ विरोध होता है, धनु राशि का केतु सर दर्द, मानसिक रोग और वितृष्णा, त्याग और इसे आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं देता है, ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है अक्सर अवसाद ग्रस्त होकर, खुशी से नहीं। मकर राशि का केतु सर में दर्द और आर्थिक संकट देता है, कुंभ राशि का केतु आर्थिक संकट देता है, भाई बहनों के साथ विरोध देता है, मीन राशि का केतु ज्ञान वृद्धि धन लाभ
देता है और जातक ज्ञानी होता है। तो ये केतु का दूसरा भाग था, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और इसमें जो भी फलादेश का टिप मैंने दिया है, जो भी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, ये लगभग 99% श्योर शॉट प्रेडिक्शन का अंग आप इसे समझ सकते हैं। जो भी फलादेश मैंने बताया है ये लगभग 99% फेल नहीं होगा। अब बुराई में अच्छाई में कमी बेसी दूसरे ग्रहों की कॉम्बिनेशन की वजह से उतार चढ़ाव हो जाता है। आशा है ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो केतु का भाग दो यही खत्म है। कोई और जानकारी अगर मुझे सूझेगी कभी तो फिर मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। केतु पे बोलने से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि केतु के जो फल है ज्यादातर नकारात्मक है, बहुत ही खतरनाक फल है इसके, क्योंकि कुजवत केतु मंगल की तरह काम करने वाला होता है। मंगल खून खराबे का प्लैनेट होता है तो केतु उसकी एक्सट्रीम परिणति होता है कभी कभी। इसको समझने के लिए केतु पे फिर मैं कभी एक विश्लेषण डाल दूंगा जिस दिन मेरे मूड में आएगा। तो इजाजत दीजिए मुझे, तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।